भागो भागो, डायनासोर आ गया। これが大昔の地球上に住んでいた恐竜の化石でありますよ。わあ、かっこいい。ねえ先生、恐竜はもう一匹も地球上にはいないの？あ、いないことになってるんだが、もしかしたら地球のどっかにいるかもしれないね。空飛ぶ円盤 UFO と同じようにいると思った方が夢があって楽しいじゃないか。わしもぜひ生きた恐竜にお目にかかりたいもんじゃよ。はい先生。あ、क्या बात है पूछो। एक्चुअली क्या है ना सर, मेरे पास एक जिंदा डायनासोर है। क्या जिंदा डायनासोर? ए झूठे, चल चुप कर। देखो तुम लोगों को जलने की जरूरत नहीं है, ओके? क्या बोला? मेरे पापा जंगल में खोज करने के लिए गए थे और वो उसे वहीं से लेकर आए हैं। वो कोई डायनासोर नहीं, जरूर कोई बड़ी सी छिपकली होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ डायनासोर जिंदा हो और वो अभी भी कहीं भटक रहे हो? क्यों सर, मैंने सही कहा ना? हाँ बेटा, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा। देखा बुद्ध कहीं के। मैं पापा से कहूँगा कि वो ये वाला डायनासोर भी मेरे लिए खरीद ले। चलो चलो, फेंकना बंद करो। तो ये वाला तुम खरीदना चाहते हो? मेरे पास जब असली वाला है तो मैं हड्डियों का नकली ढांचा लेकर क्या करूँगा? झूठ मत बोलो ऋतिक, तुम्हारे डैडी तो कभी भी किसी डायनासोर को नहीं ढूंढ सकते। झूठे कहेंगे। तुम तो बहुत ही बुरे हो। देख लेना, कल सुबह मैं स्कूल में असली डायनासोर लेकर आऊंगा। एमके मेरे दोस्त, एमके मेरे भाई हैं? शायद वो अपने घर पर होगा। अरे दरवाजा बंद है, मतलब वो यहाँ भी नहीं है। एमके तुम कहाँ हो? पता नहीं कहाँ चला गया। लिफ्ट चाहिए क्या? अरे तुम, मैं तो बस ये पूछने आया था कि कल तुम स्कूल आ रहे हो कि नहीं। हाँ, मैं क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि अगर कल तुम अपना पालतू डायनासोर लेकर स्कूल में नहीं आए तो सारे बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अरे क्या ऋतिक, देखा भी नहीं। एमके तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम तो टाइम पास करने जा रहे थे यार, लेकिन तू टेंशन में क्यों है? मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। फिर से तेरी वाट लग गई क्या? हाँ एमके, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे बोलना क्या करना है। क्या तुम किसी को जानते हो जो डायनासोर जैसा दिखता है? क्या डायनासोर जैसा? हाँ एमके, कल मुझे स्कूल में डायनासोर ले जाकर स्कूल के सारे बच्चों को दिखाना है, वरना वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, हाथ मत जोड़। चल अब सीधी तरह से बता कि असली चक्कर क्या है। चक्कर वगैरह छोड़ो, मेरी तो सोच सोच के हालत खराब हो रही है। अरे चल अब ज्यादा मत सोच। कितनी बार बोला है कि सोचने का काम मेरा है, मैं उन सब बच्चों को देख लूंगा। एमके ने बोला था यहाँ बाहर मिलने के लिए, लेकिन वो अंदर मिलता तो कितना अच्छा होता, वहाँ पर लाइट भी होती, यहाँ तो कितना अंधेरा, मुझे डर लग रहा है। ये आइला, इस पर चढ़ के बैठ जाता, कोई जानवर भी आया तो मैं उसे बच जाऊंगा। अरे ऋतिक, नीचे मिलने बोला था, ऊपर नहीं। एमके, लगता है तूने मेरे डायनासोर दोस्त के साथ दोस्ती कर ली है। दोस्त? वैसे मेरा ये दोस्त ड्रैको ड्रैगन है, पर बच्चों को आराम से बुद्धू बनाया जा सकता है। मैंने इसे अपनी पावर से डबल साइज का बना दिया है, ताकि तेरे क्लास के बच्चे इसे देख के डर जाए। क्या बोलता है, सही आइटम है ना? चल रैको, मेरे दोस्त को हेलो बोल। हेलो बोल। हेलो ऋतिक, आपसे मिलकर खुशी हुई। ऋतिक, अब तू जो बोलेगा ना रैको वही करेगा। मैं जो बोलूंगा वही करेगा। अभी सैंपल दिखाता हूँ। चल रैको, जल्दी से एक हैप्पी गो लकी डॉगी बन के दिखा। तू खुश है ना? तेरा थोपड़ा देख के तो नहीं लगता कि तू खुश है यार। हाँ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, ड्रैको उस डायनासोर जैसा नहीं लगता जैसे हमारे सर ने दिखाया था। ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन हाँ, इसके पैर बिल्कुल डायनासोर जैसे लगते हैं, सच में। चलिए बॉस, खोज पर जाने के लिए हमने सारी तैयारियाँ कर ली है। वेरी गुड, चल रही जा। अरे एमके, तुम सब लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? हाँ ऐसे ही समझ लो। Yeah.
एक जगह मिली है जहाँ से शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, हम अभी चलते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? आ तो सकता है, लेकिन तू थोड़ा डरपोक टाइप का है, तेरी वजह से हमारा काम अटक जाएगा, इसलिए तू मत आ। प्लीज नहीं चला। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सॉलिड डेंजर है, डेंजर। वो जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, है ना? हम नीचे ऐसी खुफिया जगह पर जा रहे हैं जहाँ बड़े बड़े जंगली और खतरनाक जानवर रहते हैं। तेरी तो अभी चीख निकल रही है यार, वहाँ जाएगा तो पता ही तेरा क्या होगा। ये तो खुशी की चीख है एमके, बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हारा दोस्त ना, मुझे साथ लेके चलो। यार देख, मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा यार। मुझे भी वो बड़े बड़े जानवर देखने, प्लीज। नहीं यार, अगर तुझे वहाँ ले गया और तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ मुझे ही बोलेगी, एमके दिस नॉट गुड, नॉट गुड। कुछ नहीं होगा बॉस, आने दो ना अपने दोस्त को, हम सब मिलकर संभाल लेंगे इसको। सच्ची? सच्चे भे मुच्चे भे, अब जल्दी से अपना सामान लेकर आओ। मैं अभी गया और अभी वापस आया। अरे यार, तू येड़ा हो गया है क्या? मैंने कहा ना ये हमारे साथ जाके काम खराब करेगा। बॉस, मैंने तो उसे टरकाया झूठ बोल के, अब हम यहाँ से खिसक लेते हैं दोम दबा के। जो जो, ये सब मामले में तेरा भेजा सॉलिड चलता है। अरे सब लोग कहाँ चले गए? वो सब इस गड्ढे में चले गए हैं? उन्हें बहुत देर हो रही थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। एमके, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझे अपने साथ लेके नहीं गए। सॉरी रितिक, अगली बार पक्का लेके जाऊंगा। हैं? एमके चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। सॉरी रितिक, अगली बार पक्का ले जाऊंगा, प्रॉमिस। क्या कहा उसने, अगली बार मुझे पक्का ले जाएगा? तो ठीक है, देखते हैं। एमके मेरा सच्चा दोस्त है, एमके प्लीज तुम एक पीस में सही सलामत वापस आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा एमके, तुम सही सलामत लौट आना। बाय बाय बाय। अब तुम क्या करोगे ड्रैको, बोलो? एमके ने कहा था कि मुझे तुम्हारी हर एक बात माननी चाहिए। सच्ची, तुम मेरी हर बात मानोगे? तो ठीक है, तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना, मैं कल सुबह आऊंगा और तुम्हें अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा। बाय 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 ड्रैको, बाय बाय। यहाँ से क्या बोल रहा है? पाशा की सारी बात। नहीं प्लीज, इसे मत मारो, ये अच्छा है, ये मेरा दोस्त है, प्लीज नहीं मत मारो। रितिक बेटा, वोट है फोन। बहुत अच्छा है। हाँ? बाप रे, कितना खराब सपना था। गुड मॉर्निंग ड्रैको, तुम अभी भी मेरी बात मानोगे ना? हाँ? अगर मेरा सपना सच हो गया तो? नहीं नहीं, तुम मेरे साथ मेरे स्कूल आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैंने एक फैसला किया है, तुम यहीं रह जाओ तो अच्छा है। बताओ तो ऋतिक, कहाँ है तुम्हारा डायनासोर? मैं उसे नहीं ला पाया। क्यों, डैडी ने लाने नहीं दिया क्या? मेरे पास कोई डायनासोर नहीं है, अब चुप करो। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे पास डायनासोर है और तुम एक नंबर के झूठे हो, झूठे। देखो, अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे तंग मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे डायनासोर को क्या हुआ ऋतिक? क्या बोलूं, अगर वो बड़े बड़े टैंक नहीं आते तो? बड़े बड़े टैंक? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैं जाकर सबको बता देता हूँ कि ऋतिक झूठा है। मुझे झूठा मत कहो। ऋतिक झूठा, ऋतिक झूठा। अरे वापस कहाँ जा रहा है तू? छह गई मेहनत गड्ढे में, ऋतिक का गिफ्ट तो भाग गया यार, अब क्या करें?
तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा था एमके, थैंक यू वेरी मच। अरे क्यों मेरी टांग खींच रहा है? मुझे मालूम है तुम ही उस डायनासोर को लाए थे ना, ताकि क्लास के बच्चे मुझ पर नहीं हंसे। अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। क्या कहा? सब ठीक है? और मेरा दोस्त ड्रैको कहाँ है? ओ, मैं तो भूल ही गया था। तूने रात भर इसको यहीं अटका के रखा? हाँ, अब मैं इसे खिलौना नहीं बनाना चाहता। सोच समझ के बोल रहा है ना? हाँ एमके, मुझे माफ कर दो ड्रैको, पर अब तुम अपने घर जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, फिर मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय। हमेशा खुश रहना ड्रैको। ये तो मेरा डायलॉग था। पेड़ से पड़ गया पाला। आज की ताजा खबर, पास की पहाड़ी से दो लोगों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। विश्वस्त सूत्र अहिला, मैं और एमके बाकी सबके साथ वहीं पर कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं। चलो, सारी तैयारी तो होगी, कल बड़ा मजा आएगा। जाओ जाओ मेरे बिना कैंपिंग के लिए जाओ, और वहाँ जाकर मुसीबत में फंस जाओ। अरे चुप कर जोजो, वरना मेरा एक घुसा पड़ जाएगा ना तो हमेशा के लिए तेरी बोलती बंद हो जाएगी। बोलती बंद मत कीजिए बॉस, मैं सच बोल रहा हूँ, आप सच झेलने की ताकत रखिए। अहिला, ये कौन चिल्ला? ये आवाज कहाँ से आई? अहिला ऋतिक, तू इतनी रात को यहाँ कैसे यार? एमके, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। हम जहाँ कैंपिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ से लोग गायब हो रहे, टीवी पे देखा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ का मतलब क्या? अगर हम लोग वहाँ गए और वहाँ से गायब हो गए तो? बॉस, आपको लगता है इसे कल हमारे साथ आना चाहिए? ये ऋतिक बहुत जल्दी डर जाता है ना। चुप रहो, अपनी बातों से इसे और मत डराओ। मैं नहीं डरने वाला एमके, मैं नहीं डरता। वन टू चा 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 चा, मारा रे। तू डरपोक है? मैं डरपोक नहीं हूँ। कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? तू भूल रहा है मैं बॉस हूँ। यही एक बात तो आप भूलने नहीं देते। शहर से दूर आकर कितना अच्छा लग रहा है। देख तू अभी भी सोच ले, तू पक्का आना चाहता है ना? मुझे तो अच्छी तरह से पता है, अभी हाँ हाँ कर रहा है, वहाँ जाके मैं करेगा। चलो ट्रैकिंग शुरू की जाए। एरो पे तो लिखा है कि लॉज उस तरफ है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। चलो निकल गई यार, इतनी भीड़ क्यों है? तो भाइयों, तुम सब तलाश शुरू करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, उन्हें ढूंढ कर रहे हैं। देखो एमके, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तुम लोग तलाश में मदद के लिए आए हो? नहीं, हम लोग तो यहाँ सिर्फ कैंपिंग करने आए थे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, हमें तलाश के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमारे दो किसान भाई दरअसल गुम हो गए हैं। बाकी पुलिस वाले आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो उन किसानों को गायब करने वाली चीज से डरते हैं। उन्हें कौन गायब कर रहा है? होगा कोई मॉन्स्टर। कोई मॉन्स्टर यार? अब तुम मदद करो। मदद नहीं कर सकते, हम छुट्टी पर हैं। तुम्हारी शक्ल तो काफी जानी पहचानी लग रही है। साहब, ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। सब तैयारियां हो चुकी हैं, अब हमें तलाश शुरू करनी चाहिए। तुम्हें लगता है हमें यहाँ पे कैंपिंग करनी चाहिए एमके? क्यों बच्चे, डरना शुरू कर दिया? मैंने तो पहले ही बोला था मता। चल डर मत, ये पुलिस अंकल सब संभाल लेगा। सच में? जरा इन स्केचेस को देखिए, गायब किसानों के नाम जय और वीरू हैं। मेरे पास ये सीटियाँ भी हैं। पुलिस अंकल, आप तीन तीन सीटी बजाते हैं? नहीं, ये हम सबके लिए है, मुसीबत पड़ते ही इन्हें बजाया जाएगा। चलो उन्हें ढूंढा जाए। सब के सब उस तरफ चलेंगे। ये कच्चा रास्ता ऊपर पहाड़ी तक जाता है, हमें वहीं जाना चाहिए। एक काम करो, तुम दोनों आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। डर गए क्या? के मारे हालत खराब है क्या? नहीं, दरअसल वो घुटने में दर्द है। कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? आवाज दो। मुझे बचाओ। सुना तुम
सामने, ये तो जय की आवाज थी ना। चलो उस तरफ चल के देखते हैं। जय जाओ, आवाज आ रही है पर दिखाई नहीं दे रहे। हो हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बाहर आओ। चलो उस तरफ चल कर देखते हैं। पहले हल्का हो लो। शर नहीं आती तुम्हें? अरे वो थकुसक तो चुदा। कौन चिल्लाया? क्या हुआ? वो दोनों कहाँ चले गए? कुछ तो गड़बड़ है, लगता है वो दोनों गायब हो गए। अब मेरी बारी है। देखो मेरे पास पता ना। अरे मुझे भी पेड़ बना दिया। हमें हर हाल में पेड़ का कहा मानना ही होगा। मेरी सेना के लिए और आदमी जमा करो। जी समझ गए सर। मैं डर नहीं रहा पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है एमके। अरे यार ज्यादा सोच मत, सोचने का काम मेरा है। बॉस आप ठीक तो है? लगी तो नहीं? मैं दुनिया एक आंख से देख रहा हूँ और तू पूछ रहा मैं ठीक हूँ? आइला ये सारे पेड़ किसने काट दिए यार? एमके पता नहीं हर रोज ऐसे कितने पेड़ों को काटा जाता है। जो लोग बेरहमी से पेड़ों को काटते हैं मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। उनकी वजह से मेरे बेचारे बंधुओं को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। इन पेड़ों की कटाई रोककर जंगलों को साफ होने से बचाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी दुनिया ऐसी हो जिसमें हम कुदरत के साथ मिलजुल कर रहे। पेड़ों को कटता देख मुझे रोना। मेरे कान मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैंने तालियों की आवाज तो यहीं से सुनी थी पर बजाई किसने? एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि ताली इन पेड़ों ने बजाई। मैं भी एक नंबर का घोचू, पेड़ ताली कैसे बजा सकते हैं? तुमने अपने आप को पहचान लिया। हमें पिकनिक यहीं मनानी चाहिए, ये परफेक्ट स्पॉट है। ठीक है। ओह थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मैं खाना बनाने का सामान ठीक से लाया हूँ या अरे ये क्या, मैंने तो अपना बैग यहाँ रखा था, वहाँ कैसे चला गया? अरे भेजा जल्दी जल्दी आ जा, फ्रेम खाली है उसे भर। आया। चला सब लोग तैयार आ जाओ। चीज। अरे अरे शाम तक ऐसी बिठा के रखेगा क्या? नहीं पर कुछ गड़बड़ है। देख देख डर के मारे फिर तेरी हवा निकल रही है। अपने पीछे देखो। हैं क्या देखो यार? अब तो हमारे बैग भी नजर नहीं आ रहे। खाना खाना खाना, बैग के साथ खाने का सामान भी गया और स्लीपिंग बैग भी गायब हो गए। अल्लाह मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये सारे के सारे पेड़ जिंदा है। समझ गया, इन पेड़ों ने ही उन दो किसानों को गायब किया है। एमके का खाना खाकर कोई हजम नहीं कर पाया, हम इन पेड़ों की तह तक पहुँच के रहेंगे। वो सब तो ठीक है बॉस, लेकिन इन पेड़ों से लड़ेगा कौन? फिकर नॉट, मैं लड़ूंगा। मैं क्या बॉस, हमेशा तो आप ही लड़ते हो, कभी तो हमें मौका दिया करो। हाँ बात तो एकदम फैक्ट है। चल एक काम कर, अपने नाक का जीपीएस ऑन कर और उन्हें ढूंढ। मेरा नाक किसी काम तो आया। बॉस मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं अपना खाना ही ढूंढ लूँ। लगता है बैग पास में ही है, यहीं कहीं आसपास ही है बॉस। पता नहीं इस बैग में क्या क्या भर रखा है, ये कितना भारी है। पता है ये भारी है, ये भेजा का बैग है। आइला चल रे जा, उस पेड़ के बच्चे को जाने मत देना, सबक सिखा। है? बॉस ये काम आप ही कीजिए, आप इसमें माहिर हैं। देख तूने जरा भी होशियारी की ना तो तुझे पेड़ से पेपर बना दूंगा। आइला ये तो उस पुलिस वाले अंकल की टोपी है ना, गलती से गिर गई होगी है ना? गिरी, कौन मारा रे? आइला बॉस मैं आऊं क्या? अरे छोड़ मुझे, भेजा चल जोर लगा। अरे रे रे रे, ये पेड़ तो वही किसान और पुलिस ऑफिसर है। अरे आप कहाँ भाग रहे हो, जाते जाते इनाम तो लेते जाओ। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
अरे अपनी भलाई चाहता है तो निकाल इसको, निकाल। अब समझा, ये सब तेरी करतूत है। मुझे राक्षस राजा ने भेजा है। अरे तू इस दुनिया में क्यों आया? हाँ सीधी तरह बोलता है, बुलवाऊं? मुझे राजा ने यहाँ पर भेजा था कि मैं एक सेना बनाऊं। मैं सबको गायब करके पेड़ बना रहा हूँ और अपनी एक सेना तैयार कर रहा हूँ। मैं इन सबको अपने साथ राक्षस राजा के पास ले जाऊंगा। राक्षस राजा इन सब की ताकत का इस्तेमाल करके ताकतवर बन जाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा बेटा, मुझसे चला के हाँ, अब तो तू गया गॉन विद द विंड। बुद्धि हो रही है। बस करो। अब क्या हुआ, नानी याद आ गई? मैं हार गया, मुझे माफ कर देना राक्षस राजा, मैं आपके शैतानी इरादों को अंजाम नहीं दे पाया। हमारी पिकनिक पर पानी फिर गया। ऐसी बारिश में तो गर्मा गर्म चाय पीनी चाहिए। चलो मेरे घर चलते हैं, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। चलो, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। अब बारिश में कैंपिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम जोजो के साथ घर पे रहते तो हमें ज्यादा मजा आता। अरे ओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकते हो? सॉरी बॉस, आपको तो भूल ही गए। जाओ किसी को मदद के लिए बुलाओ, मैं ऐसे चिपक के नहीं रहना चाहता।